हैदराबाद के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का आया तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने ठोके ताबड़तोड़ अर्धशतक और मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 250 के करीब रन बनाए। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे इस वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा और ईशान किशन आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही हैदराबाद के गेंदबाजों पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। लेकिन रोहित शर्मा 18 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद ईशान किशन ने पारी को संभाला। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 32 गेंदों पर 84 रन ठोक डाले। ईशान किशन ने 11 चौके और शानदार 4 लंबे छक्के लगाए और फिर आखिरी ओवरों में सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर 82 रन ठोक डाले। सूर्य कुमार यादव ने इस पारी में 12 चौके और 3 छक्के लगाए और मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 235 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। हैदराबाद की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट जैसन होल्डर ने लिए और वहीं 2 विकेट राशिद खान ने चटके। हैदराबाद की टीम को अब 236 रनों का टारगेट हासिल करना होगा, लेकिन यह टारगेट बहुत बड़ा है। अब देखना होगा कि हैदराबाद की टीम इस मैच में कितने रन बना पाए। मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 171 रनों से इस मैच में जीत हासिल करनी होगी।